गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में, जहां आपको मिलते हैं बीएससी फिजिक्स और इंजीनियरिंग के टॉपिक के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि बाइनरी नंबर को हम जोड़ कैसे सकते हैं और घटा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन से। तो अभी देखते हैं एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले बात है कि कुछ रूल्स आपको याद होने चाहिए। देखिए, आप क्या करेंगे, दो नंबर को जोड़ेंगे। बाइनरी में कौन से नंबर होते हैं, ज़ीरो होते हैं और वन होते हैं। तो आप इसे जोड़ कैसे सकते हैं, ज़ीरो को वन से जोड़ सकते हैं। तो ज़ीरो को जब आप वन से जोड़ोगे तो आपका आंसर होगा वन, और जब वन को ज़ीरो से जोड़ोगे तब भी आपका आंसर होगा वन। जब आप ज़ीरो को ज़ीरो से जोड़ोगे तो आपका आंसर होगा ज़ीरो, और जब आपको वन को वन से जोड़ोगे तो आपका आंसर होगा ज़ीरो। बट लेकिन क्या होगा, कैरी होगा वन आगे स्टेप के लिए। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। बाकी सारे चीज़ें सिंपल्स हैं, ठीक है। ये तीनों एडिशन सिंपल है, बट यहाँ पर जो ये वन प्लस वन है ना लॉजिक एडिशन में, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर में वन प्लस वन टू नहीं हो सकता है। यहाँ पर वन प्लस वन जीरो होता है, बट कैरी होता है वन। क्यों होता है, इसका भी लॉजिक हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि ये कैसे जुड़ता है, ठीक है। देखिए, वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन, इस नंबर को हम जोड़ेंगे ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। इससे हमें जोड़ना है, इसे आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, वन को अगर आप ज़ीरो से जोड़ोगे तो यानी कि वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो तो वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, और वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो ये है हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वन प्लस वन वाला टर्म नहीं आया, तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर वन प्लस वन वाला टर्म आएगा। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है कि जब आपको वन प्लस वन वाला टर्म आएगा ना, तो मुझे आपको समझाने में आसानी होगी कि मैं यहाँ पर क्या कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो एडिशन के लिए देखिए, एक और एग्जांपल देखिए जहाँ पर वो टर्म आएगा। तो मैं एडिशन में ले लेता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन, और नीचे ले लेता हूँ ज़ीरो ज़ीरो वन 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 वन, इसे जोड़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ जाता है, वन प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा। मैंने कहा था वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्यों होगा, यहाँ पर लॉजिक समझिए, फिर यहाँ पर आगे हम जोड़ेंगे इसे। देखिए, इस टर्म का, ठीक है, पहले टर्म का बाइनरी में पावर क्या होता है, वन होता है, दूसरे का क्या होता है दो, तीसरे का क्या होता है चार, मतलब कि इसका वैल्यू कितना होगा चार होगा, इसका वैल्यू कितना होगा आठ, इस का वैल्यू कितना होगा सोलह, और ये लास्ट है इसका होगा वैल्यू 32, ठीक है। आगे भी होगा, अगर आगे को टर्म होगा तो उसका वैल्यू होता है 64, यानी कि 2 टू दी पावर 0 से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है, 8 बिट के लिए, या आप एन नंबर तक के लिए जा सकते हैं। तो 1 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है 1 है, और इसका वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 होना चाहिए 2, लेकिन 2 देखिए इस यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 2 1 लिख दूंगा, ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन यह 2 का वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसीलिए 1 प्लस 1 यहाँ पर होगा 0, और यहाँ पर जो 1 आने वाला था वो आ जाएगा यहाँ पर आगे, ठीक है। 1 प्लस 1 होगा 0, बट कैरी 1, कैरी 1 का मतलब क्या है, 1 आगे ले जाना है हमें। अब देखिए क्या किया हमने, 1 को आगे ले आए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 प्लस 1 क्या होता है 0, देखिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बदले मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0, ठीक है। आप मन में ही मानिएगा, तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बट कैरी 1, कैरी 1 यहाँ पर हम आगे ले आते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, होगा 0, बट कैरी 1, 1 आगे जाएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण आप समझ गए होंगे कि देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू किसका, इस
पावर का वैल्यू कितना है इस पॉइंट का, इस वन का वैल्यू है यहाँ पर 4 और इस वन का वैल्यू भी है 4, तो 4 को 4 से जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। 8 कहाँ पर है, इसके जस्ट आगे वाला टर्म में होगा 8, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 0 लिखते हैं। आपको यहाँ पर लॉजिक समझ आता है, लॉजिक क्या है इसका, देखिए अब यहाँ पर 1 आ गया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों का सम होगा 0 यहाँ पर और 1 जाएगा कैरी यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर आ गया है हमारा 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये है हमारा बाइनरी एडिशन, ठीक है। याद रखिएगा बाकी सब चीज़ सिमिलर होता है, लेकिन जब 1 प्लस 1 का बारी आएगा तो उस समय क्या होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 जो है उसके आगे वाले स्टेप में चला जाएगा, उसको उठा करके आगे आप लिख दीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, ठीक है, कि आपको समझ में आए। अब इसे चेक अगर आपको करना है तो देखिए, मानते हैं ये जो बाइनरी नंबर है इसका वैल्यू कितना था, ठीक है, देखिए यहाँ पर जला हुआ है यानी कि 1 है, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, और फिर कहाँ पर है, यहाँ पर है 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 32, 11 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 43, यानी कि इस बाइनरी नंबर का वैल्यू है 43। अब देखिए हम घटा कितना में रहे, यहाँ पर देखिए इधर तो जला हुआ नहीं है, यानी कि इधर 1 है, 1 1 1 1, तो यहाँ से 8 से जोड़िए, 8 4 12, 12 2 4 1 15, 15 15 में आपने 43 को जोड़ा, आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर कितना है, देखिए 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 16 26 प्लस 32, 26 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 58, तो यहाँ पर आ गया 58। अब आप इसे चेक कर सकते हैं कि 43 में 15 जोड़ेंगे तो क्या 58 आएगा, देखिए 5 3 8 1 5, ठीक है 58 आता है, यानी कि ये सही है एडिशन हमारा। इसी तरह आप इसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 1 प्लस 1 होगा 0 बट 1 आगे जाएगा, इसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि 1 प्लस 1 होता है 2, इसका मतलब कि वैल्यू जो होगा इस दोनों का सम का वो होना चाहिए 2, लेकिन इस पॉइंट पर 2 नहीं होता है, इसके आगे वाले पॉइंट पर 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 को बदले एक यहाँ पर दे दिया, ठीक है 2 को यहाँ ले आए हम, ये जो 1 हमने यहाँ लिखा है इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 2 है। चलिए आप देखते हैं सब्सट्रैक्शन, देखिए सब्सट्रैक्शन में भी सेम रूल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से रूल को दोबारा लिखता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग होगा। 0 माइनस 0 यानी कि 0 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सोचिए होना चाहिए माइनस 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यही एक जो है लॉजिक वाला बात है, मैं इसे आपको बाद में लिखता हूँ, पहले बाकी को लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है, अब 1 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप बोलोगे 0 में 1 घटाएंगे तो माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर 1 में जब 1 0 में जब 1 घटाएंगे तो होगा 1 बट 1 जो है वो हो जाएगा बोरो, ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखिए बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेके चल जाएगा आगे, ठीक है, उधार लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 में 1 घटता नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, ठीक है, बोरो करना पड़ेगा। इसे एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 1 0 सॉरी मैं बड़ा थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है, 1 0 0 1 0 1, ये नंबर मान लेते हैं हमने ले लिया, नीचे में ले लेता हूँ मैं 0 0 1 1 0, ठीक है, हमने नीचे में ये नंबर ले लिया, तो इसे घटाना है, ठीक है, तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 0 में जब 1 घटेगा तो 1 होगा लेकिन बोरो 1 होगा, इस चीज़ को समझेंगे हम बढ़िया से, लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा लिखने का पीछे कारण बता देता हूँ कि मैं इसके पावर्स को लिखता हूँ यहाँ पर, पहले यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 8, यहाँ पर होता है 16, यहाँ पर होता है 32, ठीक है, मैं बड़ा नंबर लेके एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए,
देखिए, वन में वन जाएगा तो क्या होगा, वन में वन घटेगा तो जीरो हो जाएगा, सिंपल था। जीरो में जीरो घटेगा तो जीरो हो जाएगा, वन में वन घटेगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब जीरो में वन घटेगा तो क्या होगा, मैंने क्या आपको बताया, जीरो में वन घटेगा तो हो जाएगा वन। कैसे, सवाल ये आता है कैसे और क्यों। हम क्या करते हैं कि ये जो 32 वाले पावर का वन है, इसे हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। इसे मैंने कर दिया जीरो और इसको यहाँ लेकर के आ गया। यहाँ पर जब लेकर के आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16+16 के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 32 था, यहाँ पर 16 है इस पोजीशन का पावर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 16+16 है, करते रहा हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये जीरो के बदले हम लिखेंगे वन, इस जीरो के बदले हम लिखेंगे वन, ठीक है। और वन एक 16 को जो है यहाँ से वो ले आऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 2, 16 के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं, 8 × 2। तो यहाँ पर देखिए, इसका पावर कितना है, 8 है, इसका कितना है, 8 × 2, यानी कि 2 × 8 है। एक 8 में दो, एक सॉरी दो 8 में एक 8 जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा एक ऐड 8 बचेगा। 8 को हम यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखेंगे, बाइनरी में 8 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था जब 0 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन क्या होगा, बोरो हम यहाँ से करेंगे, आगे वाले टर्म से बोरो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है, क्योंकि देखिए 16 एक बोरो ले लिया, ये 16 कट चुका है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 16 बचा है, इसका पावर 16 है, 16 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 16 बचेगा, लेकिन यहाँ पर बाइनरी में 16 इस पोजीशन के बदले 1 लिखते हैं हम 16 को, ठीक है। अब आगे यहाँ पर 0 है, तो 0 में 0 घटाया तो बचा कितना, 0। ये था कारण। कारण क्या है, देखिए 0 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कारण क्या है, सिर्फ कि हम आगे से जो है बोरो करते हैं। बोरो करने का मतलब क्या है, बचपन में हम लोग कहते थे पैंचा लेते हैं या कर्जा लेते हैं आगे से, तो वही कर्जा लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए कर्जा यहाँ पर कैसा होता है कि यहाँ पर पावर है इसका 32 और इसके पास है कि 16 से ऊपर का नोट ये रख ही नहीं सकता है, इसीलिए क्या करता है कि 16+16 का 2 नोट रख लेता है। 2 नोट यहाँ रख लिया, तो 2 नोट में से 1 नोट घटेगा अगर, तो हमें करना क्या है, लेकिन हमें आगे चाहिए तो हम 1 16 को आगे ले आते हैं। ये 16 को लाएंगे जब यहाँ पर, तो इस पोजीशन का वैल्यू पावर क्या है कि ये 8 से ऊपर का नोट रख ही नहीं सकता है, तो इसीलिए ये 8 × 2, यानी कि 8 का 2 नोट रखता है। एक नोट में, मतलब कि 2 नोट में 1 नोट घट गया, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना है, इसका भी वैल्यू तो 8 ही है ना, इस 1 का, तो 8 में 8 गया तो बचा 1, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 8 में 8 गया तो 1 8 से ये कट गया तो बचा 8, यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो 1 का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 8, ठीक है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर आगे करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इस बार कुछ भी ले लीजिए, 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। मैं नीचे में भी ले लेता हूँ 0 0 1 1 0 1 0। मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पर पावर ले लेता हूँ 1। देखिए आप जब भी प्रैक्टिस मोड में होंगे, ठीक है, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये चीज़ हमेशा लिख लिया कीजिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। 1 लिखा, यहाँ पर 2 होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 4, इसका वैल्यू होता है 8, यहाँ पर वैल्यू होता है 16, इसका वैल्यू होता है 32, इसका होता है 64। थोड़ा सा इसे ज़्यादा बिट में चला गया, ठीक है, ये 8 बिट का आ गया, ठीक है। तो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन जब 0 में 1 घटाने की बारी आएगी तो क्या, मैंने कहा आपको 0 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, क्यों बचेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है इसका वैल्यू पावर, मैं क्या करता हूँ इस 1 को जो है यहाँ ले आता हूँ, लेकिन ये 1 का ताकत कितना था, 4 का था, तो यहाँ पर होगा 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 होगा, यानी कि 2 × 2 होगा। इसका पावर कितना है, इसका वैल्यू भी है, इस 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, पोजीशन की बात करूँ तो इसका वैल्यू 2 है, तो ये 2 में जब ये घटेगा, यानी कि 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसीलिए मैंने कहा था 0 में जब 1 घटेगा तो 1 बचेगा, बोरो हो जाएगा आगे से एक 1, तो ये बोरो यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर बोरो कर लिया अगर हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 0, तो ये 1 कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचा है, तो 0 में 0 घटेगा तो क्या होगा, 0, 1 में 1 घटेगा तो 0। फिर से यहाँ पर देखिए 0 में 1 घटाने की बारी आ गई, तो 0 में 1 घटाएंगे तो क्या करेंगे, होना चाहिए यहाँ पर 1, लेकिन बोरो करना है आगे से,
तो मान लेते हैं यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, इस वन को कर देंगे हम ज़ीरो, ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये 64 का नोट है यहाँ पर, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है इस दुकान का, इसका यहाँ पर है 32 का नोट ही ये संभाल पाएगा। तो 32 प्लस 32, दो नोट रखा यहाँ पर इसने, एक को यहाँ रख लेगा, यानी कि इस ज़ीरो के बदले यहाँ पर ये वन कर लेगा, ठीक है, और एक 32 को ये आगे भेज देगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 16 का होगा, क्योंकि ये 32 यहाँ पर आया है, और इसका वैल्यू कितना है, 16 है। तो यानी कि ज़ीरो में से वन घटा तो बचा कितना हमारा, ज़ीरो में जब वन घटेगा तो बचेगा वन, बोरो आगे से हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वन बचा है, तो वन में ज़ीरो गया तो क्या होगा, ज़ीरो, सॉरी, वन में ज़ीरो जाएगा तो वन बचेगा, और ज़ीरो में जब ज़ीरो जाएगा तो बचेगा हमारा ज़ीरो, यानी कि इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। याद रखिएगा बोरो वाला सिस्टम, याद रखिएगा आप क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, क्यों, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे वाले पावर में ये 32 है, ये 16 है, तो यानी कि 32 में जब इधर आएगा तो ये 16 प्लस 16 हो जाएगा एक, ठीक है, तो एक सोलह, दो 16 है यहाँ पे, एक 16 घटेगा तो यहाँ 16 बचेगा। इस पोजीशन का वैल्यू 16 होता है, बाइनरी में 16 को हम 1 लिखते हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो यही था बाइनरी सब्स्ट्रक्शन। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।